मांस रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, बाद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं हूं सूरज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन अब 1 फरवरी से शुरू हो सकती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। हालांकि उन लोगों के लिए, उन आम जनता या यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने लोकल ट्रेन को लेकर काफ़ी चिंता की थी। 1 फरवरी से लोकल ट्रेन चालू हो सकती है कुछ शर्तों के साथ, जो हम आपको आगे बताएंगे। जैसा ही लोकल शुरू करने की बात सामने आई, वैसे ही रामदास कदम जो विधायक हैं, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को फौरन घेरा। रामदास कदम का कहना है, महाराष्ट्र सरकार को लोकल ट्रेन और मंदिर खोलने से ज़्यादा बार खोलने की जल्दबाजी थी। सरकार क्या इस बात का जवाब देगी कि जो समय उन्होंने निर्धारित किया है उससे किस यात्री को फायदा होगा? आखिरकार 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद मुंबई वासियों के लिए लोकल ट्रेन की सेवा शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य और पश्चिम रेलवे को पत्र लिखकर 1 फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग की है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 1 फरवरी से लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति प्रदान की है, इस बाबत रेलवे को पत्र लिखकर सभी के लिए लोकल शुरू करने का अनुरोध भी किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले पर विरोध जताया है। कदम का कहना है कि लोकल ट्रेन शुरू करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने 5 महीने देरी से लिया है, यह पहले भी लिया जा सकता था। अब ये भी सुनना जरूरी है, सरकार के नियम और शर्तें, आम आदमी को ऐसे समय में सफ़र करने की इजाज़त दी जाए जिससे लोकल में ज़्यादा भीड़ ना हो पाए। सुबह पहली लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से लेकर आखिरी लोकल सेवा चलने तक लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाए। और दूसरी तरफ सुबह 7 से 12 के बीच और शाम 4 से 9 के बीच आम लोगों को इजाज़त नहीं होगी, यानी इस टाइम पर जो है वो आम जनता सफ़र लोकल ट्रेन का नहीं कर सकती है। जो टाइम है उनके लिए वो ये है, सुबह पहली लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से लेकर आखिरी लोकल सेवा चलने तक, यानी इन समय में जो है आम जनता चल सकती है, लोकल का सफ़र कर सकती है। लगभग 10 महीने से आम आदमी को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां और नागरिक संगठन इस बात की मांग समय समय पर सरकार से करते रही है, लेकिन कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार वेंट एंड वॉच की मुद्रा में थी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।